हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और अभी मैं ये न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और मैं जा रहा हूँ सेक्टर 3। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और बताइए जरूर ये वीडियो कैसा लगता है। तो अभी हम चलते हैं। सो गाइस, अभी हमें मोरावे गांव के लिए रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, तो हम चलते हैं रिक्शा स्टैंड में, उसके बाद फिर रिक्शा पकड़ के वहाँ से मोरावे गाँव के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो अभी रिक्शा स्टैंड तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, तो हमारी वीडियो में बने रहिए। रिक्शा स्टैंड जो सेक्टर 20 में आता है, मेन रोड के सेक्टर 20 में, तो चलते हैं अभी रिक्शा क्या बोलते हैं। सो गाइस, अभी हमने बैठ गए तो चलते हैं अभी सेक्टर 3 की तरफ। और ये है सेक्टर 20 का बीकानेर वाला एरिया। अभी मैं जिस काम से आया था सेक्टर 3 में आ गया, और देखते हैं, उनको फ़ोन करते हैं जिनके पास मैं आया हूँ काम के लिए, तो उनको फ़ोन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बने रहिए हमारे वीडियो में और दिखाएंगे आगे का वीडियो। और ये है रिक्शा स्टैंड जहाँ पे मैं आया था। तो गाइस, अभी मैं अंकुश पीयूष के टीचर से मिलने आया था, और उनका कुछ पेपर जमा करना था, तो वो मैंने जमा कर दिया। और अभी मैं फ़िलहाल रूम के लिए जा रहा हूँ। फिर से मैं रिक्शा नहीं ले सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर रिक्शा लूँगा तो मुझे ये एरिया थोड़ा आपको सोचता हूँ आया हूँ तो दिखा देता हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आइए, मैं मोरावे गाँव का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जो सेक्टर 2 में आता है। तो ये देख सकते हैं, ये मोरावे गांव में यहाँ पे पेड़ था एक। तीन और 2 वाले रोड पे था। तो यदि सेक्टर मोरावे गांव सेक्टर 3 के लिए आते हैं, यदि मोरावे गांव सेक्टर 3 या 2 के लिए आते हैं, तो ये वाला रास्ता मैं दिखाता हूं आपको। ये देख सकते हैं आप, के लिए
आप सबका धन्यवाद और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक के लिए बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।